धीरे धीरे गर्म होता है वो देर तक गर्म रहता है, जो तप करके आता है वो परिणाम पाता है। हम लोग तप करके आए, 17 साल संघर्ष के बल पे आए हैं, किसी ने हमको भीख नहीं दी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ, सभी पार्टियों से, सभी राजनीतिक दलों से, हमें कोई भीख नहीं मिली है। हमने अपनी मेहनत के बल पे जो कुछ भी पाया है आज तक पाया है, और यह आज हमारी मेहनत है, आज हमारी निष्ठा है, आज हमारा धैर्य है, आज हमारा अनुशासन है कि हम आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका यह धैर्य, यह अनुशासन अगर बना रहा तो परिणाम आपसे बहुत दूर नहीं है, बस कुछ देर की बात है, परिणाम आपके हाथों में होगा, भरोसा मैं आपको मंच से दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं अपने दोनों अध्यक्षों की तरफ से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, बार बार तमाम पदाधिकारियों ने, तमाम साथियों ने हमारे निवेदन किया है, मैं अपनी ओर से भी निवेदन करना चाहता हूं इस बात को। शासन प्रशासन हमारे सहयोगी हैं, हम लोग बार बार बात करते हैं, वो कहते हैं हम आपके आंदोलन में आपके साथ हैं, हर तरह की सुख सुविधा देने का जो उनके स्तर पर हो सकता है प्रयास वो सारा कर रहे हैं, सभी चीजें वो आपके लिए करना चाहते हैं। अभी आपके बीच आए थे एसीपी महोदय, कितना बढ़िया, देखिए आपके सम्मान में साथ में बोल करके गए, आप लोग निश्चिंत होकर के लगे रहिए। केवल एक चीज बचाना है, हमें अनुशासन कतई नहीं तोड़ना है, हमें अध्यापक की मर्यादा में रह करके आंदोलन करना है, हमें हर हाल में डट करके आंदोलन करना है, हमें सबका सम्मान करना है, हमें बड़ों का सम्मान करना है, छोटों को स्नेह देना है, अपने मुखिया का जिनके नेतृत्व में हमें आंदोलन कर रहे हैं उन पर विश्वास करना है। और आप जानते हैं इस बात को कि जो मुखिया पर विश्वास नहीं करता कभी परिणाम नहीं पाता। हम लोगों के यहाँ कहावत है, बहुते जोगी मठ उजाड़, आप वो स्थिति कभी ना आने दीजिएगा, अपने नेतृत्वकर्ता पर भरोसा कीजिएगा। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं, वो कह देते हैं पूरे दिन 24 घंटा खड़े रहो, 24 घंटा खड़े रहने के लिए तैयार है, वो कहते हैं यहाँ कूद जाओ, हम कूदने के लिए तैयार है, लेकिन उन पर 1,72,000 परिवारों की जिम्मेदारी जिन पर है, वो किसी को आंख में कूदने नहीं दे सकता, किसी को फांसी लगाने नहीं दे सकता, आपको मरने नहीं दे सकता। अगर मरने की नौबत आएगी तो नेतृत्वकर्ता पहले अपने गले में फांसी का फंदा डालेगा, तब आपके गले में फांसी का फंदा लगेगा। ये भरोसा आपको कायम रखने की जरूरत है। कैसे आप कहां भड़क जाते हैं, कहां बहक जाते हैं, बहकने की जरूरत नहीं है, भड़कने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, आपको सत्याग्रह करने की जरूरत है। पूरी निष्ठा के साथ, हिम्मत के साथ, लगन के साथ, विश्वास के साथ लगे रहिए। परिणाम दूर हो सकता है लेकिन आपकी आंखों से अलग नहीं हो सकता, परिणाम आपको मिलेगा, यह मैं आपको इसमें से बार बार भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं अपने उन साथियों को भी एक बार नाम लेना चाहता हूं, हमारे भाई विजय जी नीचे बैठे हुए, विजय गुप्ता जी, पूरी निष्ठा के साथ, कोई नाम नहीं लेगा उस व्यक्ति का, पूरी निष्ठा के साथ मंच के जितने भी नेता हमारे बैठे हुए, जितने पदाधिकारी बैठे हुए, सबकी सेवा करना, एक एक बूंद पानी पिलाते हैं, अपना करके बोतल बोतल में सबको पानी पिलाते हैं, यहाँ आपके सामने व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं, हमारी बहन जी देखिए सामने खड़ी है, कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान कर रही है, हमारे तमाम साथी आते हैं, इनसे भी उलझ जाते हैं, आपसे उलझने की जरूरत नहीं है भाई, आप हमारी व्यवस्था में सहयोगी हैं, आपके कारण व्यवस्था बनी हुई है, दिन रात की परवाह किए किए बिना जो काम कर रहा है, कभी उससे उलझने की जरूरत नहीं है, वो हमारे आपके साथी हैं, उनका सहयोग करने की जरूरत है। हम मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, हमारे बीच में आज मीडिया के आदरणीय लोग आए हुए हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ इस निवेदन के साथ और इस भरोसे के साथ कि कहीं भी अगर कहीं भूल चूक से किसी साथी ने कोई गलती कर दी हो तो हमारा मंच, में मंच की तरफ से पूरे साथियों की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि आप हमारी आवाज को पहले कानों तक पहुंचाने का काम करते हो, उनको जगाने का काम करते हो, और आपने आवाज पहुंचाई है जो आज हम लोग यहाँ पर परिणाम की ओर अग्रसर है। निश्चित तौर पर हम आपका भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको भी साधुवाद देना चाहते हैं, हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे इस बात के लिए, आप उन पहले कानों तक और भी मजबूती के साथ हमारी आवाज पहुंचाइए, ताकि सोते हुए लोग जाग जाएं और उनको पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने आज बार का आंदोलन छेड़ दिया है। हम आपसे इस बात के लिए भी निवेदन करना चाहते हैं, हम अपने साथियों से फिर से एक बार गुजारिश करना चाहते हैं, थोड़ी परेशानियां मुश्किलें होंगी सह लीजिएगा, प्रशासन का सहयोग करिए, मीडिया का सहयोग करिए, नेताओं पर भरोसा रखिए और यह विश्वास रखिए, परिणाम जैसा कि अभी आपको बताया गया, मैं बहुत खुलासा करके नहीं कह सकता, हमारे नेता लोग बताएंगे, लेकिन परिणाम कुछ ही देर बाद आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपके हाथों में आने वाला है, उतनी देर धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, अपने नेताओं पर भरोसा करिए, उनके निर्देशानुसार काम करिए, फिर मौका मिलेगा तो बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय शिक्षा मित्र, जय समाज।